शर्मगाह को छूने का जायज़ तरीका और उस जगह पर एहतराम और इख्तियार के मियारात मुख्तलिफ मुमालिक में मुख्तलिफ होते हैं। ये अहम है कि आप अपने माहौल और कल्चर के तालीमात के मुताबिक अमल करें और दूसरे लोगों की मखसूस पसंदीदगियों का खसूसी ख्याल रखें। यहाँ कुछ आम असूल दिए जा रहे हैं जो कई जगहों पर मामूल किए जाते हैं। नंबर एक, शर्मगाह को छूने से पहले हमेशा ये यकीनी बनाएं कि आपके हाथ साफ हैं और आपके नाखून काटे गए हैं। ये बहुत अहम किरदार अदा करता है आपकी सेक्स लाइफ में। नंबर दो, शर्मगाह को छूते वक्त एहतराम से अमल करें और दूसरे अफराद के खसूसी ख्यालात को पसंद करें। नंबर तीन, किसी की शर्मगाह को छूने से पहले उनकी इजाज़त हासिल करें और सिर्फ उन सूरतों में छुएं जब दोनों तरफ की जानब से इजाज़त हो। नंबर चार, अवामी मकामात पर खसूसी गौर करें, यानी अवामी जगहों पर जैसा कि पार्क, बीच या अवामी ट्रांसपोर्ट में एहतराम की अहमियत ज़्यादा होती है और आपको अपने अमल को इसके मुताबिक रखना चाहिए। नंबर पाँच, कवानीन और रेगुलेशन का पास रहें। कुछ जगहों पर शर्मगाह को छूने के लिए मखसूस इकरार या कवानीन होते हैं, इनको पास रहें और इनका एहतराम करें। नंबर छः, अफराद की पसंदीदगियों और खसूसियात को समझें और उनका एहतराम करें। नंबर सात, शर्मिंदगी से अमल करें। अगर आपको किसी लोगों की मौजूदगी से मुश्किलात होती हैं तो शर्मिंदगी से अपने अमल को मंजूर करें और दूसरों के साथ एहतराम से पेश आएं। याद रहे कि ये मौके और असूल मुख्तलिफ मालक और कल्चर्स में मुख्तलिफ होते हैं और आपको अपने माहौल के तालीमात का पास रहना चाहिए ताकि आप सही और एहतराम से अमल करें।